वेलकम टू स्नेहा नरूला किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, पालक पुलाव। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पालक धो लेंगे और उसके बाद हम उसमें रखेंगे 2 हरे मिर्च और थोड़ा सा अदरक। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हो गया पेस्ट। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा, लौंग और मोटी इलायची, साबुत मसाले, और यहाँ पे मैं डालू गार्लिक। ये गार्लिक हरा वाला गार्लिक होता है ना, वो है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑनियन, प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब बस इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं कर लेना। और इसमें हम डाल देंगे अब यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च। ये ऑप्शनल है, इसमें आप मटर भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, जस्ट कि गाजर और शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस अब हम यहाँ पे जो हमने पालक ग्राइंड किया था वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि पालक जब ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाला था ना ग्राइंड करने के लिए, तो ये थोड़ा सा पानी सूख जाए इतना हम इसको पकाएंगे। और इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, ये मैं हाफ सॉल्ट डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग। राइस के अकॉर्डिंग सॉल्ट बाद में डालेंगे, अदरवाइज वेजिटेबल में ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है, नमक हो जाता है ज़्यादा। और इसको हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब 5 मिनट में पानी सूख गया है देखो पालक का। अब हम यहाँ पे डाल देंगे लेमन जूस। लेमन जूस से क्या रहेगा ना कि हमारा जो हम राइस डालेंगे वो खिले खिले रहेंगे, बहुत चिपके चिपके राइस नहीं रहेंगे। हमने 1 ग्लास चावल सोख कर लिए थे और उसमें 2 ग्लास पानी डाल लिया है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं, मैंने चावल बस 1 घंटा सोख करके रखे थे। और यहाँ पे जो बचा हुआ सॉल्ट था ना वो डालेंगे। सॉल्ट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कितना, क्योंकि आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो आप नमक जो है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। लाल मिर्च डालनी नहीं क्योंकि मिर्च पहले डली हुई थी, हल्दी डालनी नहीं क्योंकि ग्रीन करनी है, ठीक है। अब इसको लो फ्लेम पे हम 15 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में आप चला भी सकते हैं। अब देखिए ये 15 मिनट बाद ये हमारे राइस हो गए हैं, बाहर से ही दिख रहे हैं ना, तो ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ना और फिर से थोड़ा चला के और फिर से इसको 2 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब उसमें खुशबू आ जाए अच्छी गरम मसाले की, इसलिए। और थोड़ा सा कसर भी रह गई है ना इसमें अभी, तो वो भी पक जाएंगे अच्छे से, ठीक है। 2 मिनट और पका लेते हैं ढक के हम। अब ये देखिए 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और ये देखिए हमारे कितने अच्छे पालक राइस, पालक पुलाव बनके रेडी हो गया है। ये हमने चेक कर लिया, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको दाल के साथ सर्व भी कर सकते हो, आप इसको कर्ड के साथ सर्व भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी खा सकते हो जैसे अचार के साथ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो आप फटाफट से बनाइए अपनी फैमिली के लिए सर्दियों में पालक पुलाव, और मेरी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें।